गाइज इट्स याशिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपके ऊपर ऐसे सरप्राइज बॉम्ब छोड़ा था दैट मी एंड मॉम आर गोना गो ऑन अ लिटिल स्टेकेशन। तो आज वो दिन आ चुका है, यू कैन सी द बैग्स पीछे पैक्ड वगैरह सब कुछ है। मैं भी रेडी हूँ, मम्मा भी रेडी है। मम्मी इज द बर्थडे गर्ल, जल्दी आओ जल्दी आओ। ये हाय बोलो। आप लोगों ने मुझे इतनी सारी विशेस दी है, इसके लिए सबको बहुत बहुत थैंक यू। हम पहले से ही थैंक यू बोल रहे हैं क्योंकि हमें पता है आप लोगों ने बहुत सारी विशेस ऑलरेडी दे ही दी होंगी। बस गाइस आज का प्लान है दैट वी आर गोना गो टू विवांता एंड ठीक है जो भी होगा जैसा होगा मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। हम लोग आ चुके हैं, चेक इन कर लिया है, यहाँ लगेज वगैरह रख दिया है। द रूम इज ब्यूटिफुल, मैं आपको जल्दी से टूर दे देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे वॉशरूम है एंड द वॉशरूम हैज गॉट बाथटब, सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। देखते हैं इसको यूज कर पाऊंगी कि नहीं, बट आई विल ट्राई पक्का। एंड इट इज वेरी स्पेशियस, अच्छा है ये। देन यहाँ से निकल के है यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर फॉर माई मिरर सेल्फीज, आई एम सॉर्टेड। यहाँ बर्थडे गर्ल व्यू के मजे ले रही है। बर्थडे गर्ल यार देख क्या मस्त व्यू है, बहुत सी व्यू है यार। पता है यहाँ पे एयरपोर्ट है, मतलब यहाँ पे अभी फ्लाइट हमने देखी, अभी दिखेगी तो मैं दिखाऊंगी दोबारा। वो दूर दिख रही है आपको, और उन्होंने बोला भी था कि वी विल हैव अ नाइस व्यू, सो आई एम रियली हैप्पी दैट वी एक्चुअली हैव अ नाइस व्यू। पूरा ग्रीनरी है और अच्छा है, खुला खुला है, वरना बिल्डिंग वाला व्यू होता है। तो आप खुश? बहुत, बस इसी स्माइल के लिए तो। और यहाँ पे हमने ट्विन बेड्स वाला रूम लिया था, सो इट इज एक्चुअली वेरी स्पेशियस। उसका डिजाइन काफी ऐसा मॉडर्न सा है, डिफरेंट सा है, अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे देयर इज अ टीवी डेस्क, यहाँ पे काउच है। अभी तक तो बहुत अच्छी लग रही है प्रॉपर्टी। यहाँ पे ऑफकोर्स स्विमिंग पूल है, स्पा है, सब कुछ है, तो आराम से एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो हम जस्ट आए हैं, लंच का टाइम हो गया है, तो मे बी लंच ऑर्डर करेंगे एंड फिर आपको बताती रहती हूँ, अपडेट करती रहती हूँ। आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। कर दिया है ऑर्डर और अभी उसको बनने में लगेंगे आधे घंटे 20-25 मिनट। तो मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ बहुत अच्छा सा अच्छे अच्छे लोकेशन तो हर जगह यहाँ पे, सो आई एम जस्ट गोना डू अ क्विक फोटो शूट। दिखा रहा हूँ, ओह माय गॉड बहुत सुंदर। तू गुस्से परी, तू जाने जहाँ, तू सबसे अलग, तू सबसे हंसी, तू सबसे जहाँ। निर्मा का एड चल रहा है। गाइस सो दिस इज द स्विमिंग एरिया एंड आई एम सो हैप्पी। भी तो हम लंच करके आए तो कोई सवाल नहीं उठता कि अभी जाएंगे, बट कल सुबह सुबह पक्का। गुड मॉर्निंग, सो इट इज़ द नेक्स्ट डे। कल तो बस हम इतने रिलैक्स मोड में थे ना, सिर्फ इन्जॉय किया है प्रॉपर्टी, घूमा यहाँ पे एंड स्विमिंग वगैरह गए, डिनर किया, रिलैक्स किया, बहुत सारी बातें की, तो कुछ व्लॉग ही नहीं किया। इनफैक्ट हम कल कितने बजे सोए मम्मा? 2 बजे रात को, तो ज़्यादा ही हो गए थे। और अभी उठे हैं, अभी कितने बजे? 10 बज रहे हैं और मैं तो बस ऐसे सो के उठी हूँ। मैंने कैमरा ले लिया कि यार व्लॉग भी बनाना है कुछ। अभी हमें ब्रेकफास्ट करने जाना है, जो कि वो हमारा ब्रेकफास्ट बुफे इंक्लूडेड होता है ना हर जगह, वैसा है। तो उसकी भी टाइमिंग 10:30 ही है, तो मतलब अब हमें जाना ही पड़ेगा। किसी का फोन आया तो हम लोग की नींद खुली, नहीं तो क्या नींद आई इतनी ज्यादा, निश्चिंत हो गई, प्यारी, बहुत मस्त। और पता है यही पॉइंट होता है क्योंकि घर के बिजी शेड्यूल से आप तो हमेशा अर्ली मॉर्निंग उठते हो। चलो मैं तो वैसे भी लेट उठती हूँ, मैं तो मॉर्निंग में उठ जाती हूँ, आप तो उठते हो, तो
ऐसे कभी कभार कहीं वेकेशन स्टेकेशन पे आ रहे हो, रिलैक्स करने आ रहे हो, तो लेट उठना चाहिए, लेट सोना चाहिए, थोड़ा तो रूटीन से बाहर मजा आती है। हाँ जी, रूटीन से बाहर आना चाहिए। 12 बजे जब मैं सो चुकी थी एक मतलब झलक, मम्मी तो सो चुकी थी, ये नहीं होता बर्थडे पे 1 बजे तक सो गई थी। मैंने बोला उठो, मैंने गाने वाने बजाए, मम्मी में थोड़ा ऐसे एनर्जी डाला, फिर हम नीचे 2 बजे वॉक करने गए हैं, हमने पूरे मतलब फुल ऑन मजे किए। और एनीवे ये बताओ, आपको इस रूम की सबसे अच्छी बात क्या लग रही है? व्यू देखो, व्यू इतना प्यारा है। आपको पता है रात में 3 बजे तक यहाँ से ऐसे फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है, अभी लैंड हो रही है, टेक ऑफ हो रही है, ट्रेन भी चल रही है। अरे यार इतना अमेजिंग व्यू है, बाहर जाने की जरूरत नहीं, पूरा दिखाई दे रहा है यहीं से। और इतना बड़ा, एक तो यहाँ पे ग्लास है, कैसा लगता है वहीं बैठे हैं, तो इतना अच्छा, इतनी ग्रीनरी और ऐसे फ्लाइट्स, मतलब मजा आ रहा है। व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा इस रूम का। बट अभी हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, बट ब्रेकफास्ट खत्म हो जाएगा, चलो आप भी मुझे चलो। भूख भी लग रही है, आप सब आपको चलो। भी लेके चलती हूँ मैं। मम्मी तो ड्रेस पहनी हुई है, हाँ। पिछले बर्थडे की। ओ यस, ये आपकी लास्ट बर्थडे की ड्रेस है। मम्मी तो रेडी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हो गई है, मैं तो नाइट ड्रेस में हूँ गाइस, मैं ऐसे ही जा रही हूँ क्योंकि भूख बहुत। अरे कितना भी कुछ देखो, मैंने क्रीम व्रीम सब लगा के बैठी हूँ, फिर भी नींद नहीं, ऐसा लग रहा है कंप्लीट हुई भाई है। क्योंकि आप जल्दी सोने वाले लोगों में से हो ना यार, आप तो 11 बजे सो जाते हो, हम तो कल ज्यादा हो गया। बट चलो कुछ खाते हैं तो शायद थोड़ा बेटर लगेगा, नींद खुलेगी। फिर आज का दिन देखते हैं क्या करना है। आज तो मुझे स्विमिंग करना है, मन भर के स्विमिंग करना है, तो जल्दी पहले ब्रेकफास्ट करके आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, वहीं मिलते हैं। चलो ब्रेकफास्ट करने के बाद आपने जैसे देखा मैं आई, मुझे ना आज के वीडियोस अपलोड करने थे, स्केड्यूल करने थे, तो वो सब किया, कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स रिप्लाई किए, और अभी मैं रेडी हो गई हूँ। मैं ऐसी रैंडम ना एक दो एक्स्ट्रा आउटफिट्स लेके आ गई थी, क्योंकि वही है ना कि अगर किसी इतने अच्छे लोकेशन में आओ तो एक्स्ट्रा फोटोशूट करके रख लेनी चाहिए। तो फिर मेरे को आलस आ रहा था, टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल मन नहीं कर रहा था तैयार होने का, मेरा बस मन था जल्दी से स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनूं और पूल में जाऊं। बट मम्मा ने बोला कि एक यू नो कोई आउटफिट में फोटोशूट कर लेते हैं, तो मैं रेडी हो गई हूँ। देख लो आप मेरी आउटफिट, दिख रही है मेरी हील्स बहुत बेसिक सा है, बट यस यहाँ पे कोई भी अच्छी लोकेशन मिल जाएगी, तो चलते हैं जल्दी से फोटोशूट करते हैं, फिर चलेंगे स्विमिंग करने। गाइस एक आउटफिट में फोटोशूट डन, सेकेंड आउटफिट भी निपटा रहे हैं, क्योंकि पता है स्विमिंग कर लूंगी तो उसके बाद मेरे बाल हो जाएंगे फ्रिजी, तो उसके पहले जितना काम हो सके वो कर लेते हैं। आप लोग सोचोगे कि मम्मी के बर्थडे ट्रिप पे भी उनसे मैं काम करवा रही हूँ, फोटोशूट करा रही हूँ, पर लेकिन ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग काम है। ये मम्मी ने फोर्स किया, मम्मी ने मेरे साथ एक्स्ट्रा कपड़े पैक कराए कि ये भी रख, थोड़ा आलस कर देती है। मेरा बस चलता तो अभी हम स्पा जाते हैं, सोते हैं, मतलब कुछ काम नहीं करते, पर ये मम्मी करवाती है, तो आप उनको बोलो ठीक है। गाइस फाइनली मेरे फोटो वोटो शूट सब काम हो गए हैं, आई हैव चेंज्ड इनटू माय स्विमिंग कॉस्ट्यूम एंड नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर स्विमिंग, माय फेवरेट थिंग इन दिस होल एंटायर वर्ल्ड, आई एम सो हैप्पी, लेट्स गो। ज्यादा मैं देखती हूँ कितना व्लॉग कर पाऊंगी, नहीं वैसे मेरे पास गोप्रो है, सो आई ट्राई टू शूट बट आई ट्राई टू एंजॉय माई सेल्फ ज्यादा, देखते हैं चलो। हाउ मेनी आवर्स, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है स्विमिंग करने के बाद, थोड़ी देर तो मैंने नैप लिया, फिर मैं रेडी हुई एंड आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाई थी दैट आई वेंट आउट, क्योंकि मुझे मम्मी के लिए कुछ कुछ चीजें लेनी थी, उनको स्पेशल फील कराना था ऑफकोर्स, क्योंकि आज उनका बर्थडे ईव है। सो हियर इज अ लवली बुके, हमारी बर्थडे गर्ल
ठीक सामने बैठी है, अभी चलते हैं उनको देते हैं और बाकी चीजें जो मैंने ली है वो धीरे धीरे उनको देंगे। और मैं आपको मम्मी का बर्थडे ड्रेस और लुक दिखाती हूँ जो कि मैंने पसंद किया है। वेट, लेट मी शो यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी स्टार्ट हुआ है आपकी ड्रेस, अभी आप अच्छे से जब नीचे खड़े होगे ना मैं दिखाऊंगी। अभी हम लोग जाएंगे, हमने सोचा कि देखो दो दिन से तो यहीं पे डिनर कर रहे हैं ना, इनका रेस्टोरेंट वगैरह दो दिन से ब्रेकफास्ट डिनर लंच यहीं पे है, तो कहीं और चलते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं द्वारका साइड। तो अभी मैंने एक देखा है नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट, लेट्स सी, फोटो में तो अच्छा लग रहा है, तो वहां जाके देखते हैं, वहां जाके खाते हैं, क्या बोलते हो? हाँ, चलेगा, थोड़ा आउटिंग हो जाएगी, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, थोड़ा मजा आएगा, एंड फिर वहीं पे आपका बर्थडे ब्रिंग इन भी कर लेंगे। जैसे ना अभी कितने बज रहे हैं, 10 बजने वाले हैं, तो 2 घंटे में मम्मी का बर्थडे आ जाएगा। कितने साल के हो रहे हो? 20 साल। ये नहीं बता रही मैं, मेरी छोटी बहन हो ना आप? नहीं, शायद सब मेरी छोटी बहन हो, देख के तो यही लगता है, क्या बोलते हैं? वैसे भी आप लोग मुझे इतना प्यार करते, इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हैं ना, कि मतलब मैं छोटी होती जाऊंगी, बड़ी किसे होना है। सब आपको बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि आप हो ही इतने प्यारे। तो चलो मम्मा रेडी है, मैं भी रेडी ही हूँ, मैं ऐसी चल रही हूँ, क्योंकि आज तो स्पॉटलाइट यहाँ होने वाली है। भागते आए रेस्टोरेंट से, ताकि हम अपनी होटल में सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो हियर आर द केक्स जो मैं ले आई थी शाम को, मम्मी के दोनों फेवरेट। हैप्पी बहुत। मम्मा सुबह सुबह रेडी हो चुकी है, मैं अभी भी नाइट सूट में हूँ, मेरी आवाज, मेरा गला पूरा गया, इतना चिल्लाई है, एक गाने में चिल्ला चिल्ला के डांस पूरा माहौल बना दिया था, अकेले ही 50 के बराबर है। तो मेरा गला जा चुका है गाइज, अभी मम्मी रेडी हो गई है, रुको मैं अपने आपको भी दिखाती हूँ। गाइज मैं तो अभी रेडी नहीं हूँ, मैं ऐसे ही जा रही हूँ जल्दी से ब्रेकफास्ट करने नाइट सूट में ही, फिर यहाँ से चेकआउट करना है, दादी भैया एली सब वेट कर रहे हैं हमारा। मैं तो अपनी मम्मी को किडनैप करके ले आई थी स्टेकेशन के लिए, और उसमें दादी मेरा फुल सपोर्ट करती है, पूरा साथ देती है कि हाँ बेटा जाओ लेके जाओ, और चिल दो रहती दिन है के वो लिए, क्यों 4 दिन के लिए, बिल्कुल उनका यही डायलॉग होता है, बोलते हैं यहाँ क्यों जा रहे हो, गोवा जाओ, ऐसी ऐसी बातें करती है मेरी दादी। बट एनीवे अभी हम बस यहाँ से थोड़ी देर में चेकआउट करेंगे, फिर मैं घर जाके आपसे मिलती हूँ अब, क्योंकि बस सी यू गाइस। बर्थडे गर्ल इज रेडी इन हर सेकंड आउटफिट, और ये वाली ड्रेस आपको किसने दिलाई सबको बताओ? दादी ने मेरी मम्मी ने। दादी सबके लिए अपना वो हिस्सा रखती है बर्थडे पे, जो सबको मिलता है पैसों का, मैं भी सबका कंपल्सरी कि दादी के पैसों से एक अच्छी ड्रेस लेनी ही लेनी है, और तो पहले मांगो तो नहीं देंगे। हाँ, वो बर्थडे के दिन ही होगा, हमने कह रहे दे दो हम ले आएंगे ड्रेस, तो दी है जाने के पहले। तो मम्मा ने बहुत ही सुंदर सी, वो भी मेरे फेवरेट कलर में, आज मम्मी भी दादी भी दोनों क्यूटी। अभी पापा का वीडियो कॉल आया था, और पापा ने आपको क्या गिफ्ट भेजा है ये बताओ सबको, जब आएगा तो दिखाएंगे, पर हाँ मम्मी ने तो ड्रेस दिला दी थी, और इन्होंने इसके पापा ने मुझे बहुत अच्छी उड़ीसा की फेमस साड़ी भेजी है। यस, तो अब वो जब आएगी तो आपको दिखाएंगे, स्पेशली एक दिन उसको पहनू आपको, आप पहनना, फिर मैं आपका मेकओवर वाली वीडियो भी बनाऊंगी। वो पापा ने पार्सल कराई है स्पेशली वहाँ से, और हाँ एक गुड न्यूज है कि पापा भी थोड़े दिनों में बस आ ही रहे हैं। यस, तो फिर आपको देखने को मिलेगा, चलो बहुत सारे सेलिब्रेशन होंगे। आज तो सुबह से ही शायरिया। Oh.
And yeah guys, that was pretty much it for mom's birthday. I totally forgot to take an ending for this vlog, but I hope aapko dekhne mein maza aaya hoga. Don't forget to like and subscribe, aur aap log apna dhyan rakho, and I'm gonna see you guys next time. Bye.